दोस्तों, तो आज हम पहुंच गए हैं हैनिश गुम्फा, जो कि लेह में है। बुद्ध की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कहा जाता है यहाँ की ये। अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या है। जैसे ही हम पहले सबसे पहले जब एंट्री करते हैं, सबसे पहले 10-15 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जाना रहेगा। और सबसे पहले हमें ये देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। इसके बाद ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसके बारे में, ये बोर्ड आएगा। और फिर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, एंट्री एग्जिट, ये बोर्ड मारा हुआ है एंट्री एग्जिट का। और वो सामने गेट दिख रहा है भाई, क्या हुआ? जैसा थोड़ा आगे जाते हैं टिकट काउंटर आएगा, यहाँ पूछ लेता हूँ भाई, भाई कितना टिकट है? पर पर्सन 50। तो दोस्तों, 50 रुपया पर टिकट लिया है, टिकट हमने ले लिया है। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ एक टेम्पल है और एक म्यूजियम है ऊपर, तो चलते हैं देख के आते हैं क्या है क्या नहीं है। साइड में ही पब्लिक वॉशरूम भी है ये साइड। तो वॉशरूम के नीचे है कि अंदर जाना पड़ेगा? यही है सामने। अभी टिकट लेने के बाद चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं क्या है म्यूजियम में, कैसा है। बहुत ज़ोरदार ठंडी हवा आ रही है भाई। ये गेट है, ये ऊपर पीछे की तरफ गेट है, यहाँ से हमें एंट्री करना रहेगा। ये पूरा गेट है और ये मेरे पीछे ये म्यूजियम का गेट है। अंदर जाते ही ये नज़ारा दिखेगा, एक साइड म्यूजियम है, ये मंदिर है। ये पूरा नज़ारा है, ये इसकी हिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये शू स्टैंड है, यहाँ शूज उतार दिए। अभी सबसे पहले मंदिर की तरफ जाएंगे। जी, ये अंदर अंदर पहुंचने के बाद ये इस तरह से पूरा मंदिर का अंदर का भाग है। तो यहाँ बुद्धा का दर्शन करने के बाद अब हम पास ही में मेन टेंपल में चलेंगे। ये है मेन टेंपल।
तो अब हम मेन मंदिर में दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अभी चलते हैं इस साइड, क्या है यहाँ पे। इधर नहीं जाना। तो दोस्तों म्यूजियम में भी ओके है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन और बैग्स और वो सब लॉकर में रख देते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। एक यहाँ की संस्कृति की झलक, बहुत सारी पुरानी वस्तुएं और एक छोटा सा स्टोर भी था, तो बढ़िया है कुल मिला के। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं नीचे की तरफ, वापस पार्किंग में जाके बाइक लेके निकल जाते हैं। मंदिर में दर्शन करके और म्यूजियम को देख के बहुत अच्छा लगा और शांति का अनुभव हुआ। पूरे पहाड़ों के बीच में बनाया हुआ है, देखिए चारों तरफ पहाड़ है और पीछे की साइड ये मंदिर है, पहाड़ों के बीचों बीच बनाया हुआ है। बढ़िया है, एक बार आओ घूमने ऐसी जगह।